तो गाइस अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि गाइस आप लोगों को जल्दी बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जैसे कि गाइस आप लोग सामने देख सकते हो जो आप लोगों को ग्लू वॉल देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कुछ न्यू कैरेक्टर्स और इमोट, तो आप लोगों का रिएक्शन गाइस कैसा होगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई नो गाइस, मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। मैं तो यार बाथरूम में जाके नंगा नाचने लग गया था, सच बता रहा हूँ गाइस। तुम लोग भी नाचने लग गए होगे, मुझे गाइस पता है। इसी के साथ साथ गाइस हम लोग दिवाली इवेंट के बारे में भी बात करेंगे। दिवाली इवेंट का एक गाइस बहुत ही ओपी इवेंट आने वाला है हमारे गेम के अंदर, जिसमें गाइस आप लोगों को मिलने वाले बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स। उसी के साथ साथ गाइस और भी मजेदार इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। काफी फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में बात होने वाली आज की वीडियो में, ठीक है। और गाइस हमारा एक कोड भी आने वाला है, रिडीम कोड जल्दी, जिसमें गाइस आप लोगों को मिलने वाला है ओपी वाला रिवॉर्ड्स, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरी गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर गाइस आप लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि गाइस कोई भी टूर्नामेंट्स का रिडीम कोड आता है, कुछ भी आता है, तो आपका भाई आप लोगों को पता है सबसे पहले बताता है, ठीक है। तो आप लोगों का रिडीम कोड कभी भी मिस नहीं होगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं दिवाली के सबसे पहले फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। तो गाइस बहुत सारे बंदे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई क्या मैजिक क्यूब फ्री में मिलेगा कि नहीं, प्लीज कंफर्म बताओ। तो फाइनली करीना फ्री फायर ने गाइस एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, इसमें छोटा सा लोग ने मैजिक क्यूब का एक क्लिप डाला है, ठीक है। तो सामने देख सकते हो दिवाली के दिए जले हुए, नीचे पे हमारा ऊपर में मैजिक क्यूब है, बेचारा मैजिक क्यूब को गर्म लग गया होगा। तो बेसिकली गाइस छोटा सा मैंने आपको अपडेट बता दिया कि कंफर्म हो चुका है कि आप लोग को मैजिक क्यूब मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइस हमारा पहला अपडेट। बात करते हैं गाइस हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट गाइस हमारे गेम के अंदर आने वाले एक न्यू ग्लू वॉल्स है, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गेम के अंदर आने वाला एक ओपी सा ग्लू वॉल, जो गाइस बेसिकली हमारा बुइया डे इवेंट में बेस्ड होने वाला है। मैंने आप लोगों को बताया था हमारे गेम पे एक बुइया डे इवेंट नाम का इवेंट आएगा। तो सामने आप देख सकते हो ये जो ग्लू वॉल आपको दिख रही है, तो ये ग्लू वॉल गाइस आप लोगों को बुइया डे नाम के इवेंट के अंदर आने वाली है बेसिकली, ठीक है। तो ये ग्लू वॉल का लुक गाइस मुझे काफी शानदार लगा, काफी ओपी लगा, सच बताऊं तो। और शायद यार आपका भाई इसको शायद निकाले, ठीक है। आप में से गाइस कितने बंदे गाइस इस वाले ग्लू वॉल को निकालेंगे मुझे गाइस कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट गाइस हमारे गेम के अंदर आने वाले एक न्यू वेपन की स्किन से, मतलब यार हमारा वो वेपन पुराना ही है जो हम लोग हाथ में पकड़ते हैं, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, तो नाम जो भी बता देना। तो इसका बेसिकली आप लोग देख सकते हो ये वाला गाइस इसका स्किन आने वाला है, जो बेसिकली दिखने में काफी खतरनाक लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसमें आग वाग वाला लुक है, आप देख सकते हो बेसिकली फायरी वाला लुक है, और फायरी वाला लुक गाइस काफी अट्रैक्टिव लगता है, चाहे वो गाइस फायरी M1014 हो, कोई भी गाइस कटाना आप लोग देख लो, आग वाला लुक गाइस काफी ओपी लगता है, मुझे तो गाइस काफी ओपी लगता है। आप में से गाइस कितने बंदों को भी लगता है मुझे गाइस कमेंट में बताना, और कितने बंदे गाइस ये वाली स्किन निकालेंगे वो भी गाइस कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है गाइस। बात करते हैं गाइस हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट गाइस बेसिकली बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स के अपडेट से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो गाइस आप लोगों को पता है हमारे गेम के अंदर गाइस एक टूर्नामेंट आने वाला है बहुत बड़ा, ठीक है। बेसिकली उस टूर्नामेंट का नाम होने वाला है एशिया कप टूर्नामेंट, सॉरी जो मैंने आपको बताया था एशिया चैंपियनशिप। तो ये बात गाइस शायद मैंने आप लोगों को परसों भी बताई थी, ठीक है। अभी गाइस इसको छोड़ो, अब मैं बताता हूं आप लोगों को यार एशिया चैंपियनशिप में आप लोगों को बहुत तगड़े रिवॉर्ड्स मिलने वाले, और कैसे टाइप के रिवॉर्ड्स मिलने वाले वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को रीजन बताता हूं कि एशिया चैंपियनशिप में क्यों तगड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे। देखो यार एशिया मतलब होता है जिसमें गाइस हमारी इंडिया कंट्री नहीं खेलेगी, पूरी एशिया की कंट्री खेलेगी, बेसिकली इंडिया खेलेगी, चाइना की टीम खेलेगी, जापान, जो भी एशिया के अंदर आते हैं, जिसकी भी फ्री फायर में टीम है, चाइना की है कि नहीं पता नहीं, बट जो भी एशिया के अंदर जो भी टीम है, ठीक है, वो सब लोग खेलेंगे बेसिकली। जब इतनी कंट्री एक साथ खेल रही है तो वो कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा, कोई वो छोटा टूर्नामेंट नहीं होगा, क्योंकि जो इंडिया में होता है आप लोगों को पता है FFIC में हम लोग को इतने तगड़े रिवॉर्ड्स मिले थे FFIC के टाइम पे, मान के चलो। अभी तो यार एशिया का टूर्नामेंट है, बेसिकली पूरी एशिया आ रही है, तो उसमें तो आप लोगों को 100% कुछ तगड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ गाइजर क्या मिल सकते हैं। तो देखो बाहर का जो सर्वर है वहाँ पर गाइजर जो उनके टूर्नामेंट्स है, जैसे वहाँ पर यूरोप टूर्नामेंट चल रहे, तो उधर पर गाइजर इतने सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, बेसिकली वहाँ ग्लू वॉल मिल रहा है, इनमें से गाइजर कोई एक आप लोग ग्लू वॉल ले सकते हो, साथ ही साथ मारो कैरेक्टर मिल रहा है आप लोग को, गाइजर 10 गाइजर कस्टम ये वाले कस्टम रूम कार्ड देखने को मिल रहे हैं, जो गाइजर आप लोग के नए नए आए कस्टम रूम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं माइन कौन सा अलग जो भी बोलते हैं क्राफ्ट लैंड वाला, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नमस्ते इमोट मिल रहा है, और ये सारे रिवॉर्ड्स इन लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1.5 मिलियन का व्यूवर दिया हुआ है अब, ठीक है गाइस। तो इन लोगों का गाइस सीन क्या हो रहा है कि इन लोगों का गाइस सब लोग को मिला के, सारे कंट्री को मिला के 1.5 मिलियन लाने टोटल व्यूअर, और इनके गाइस जो सबको फिर ये सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, बेसिकली ग्लू वॉल मिल जाएगा, 10 ये मिल जाएंगे, मारो कैरेक्टर मिल जाएगा, इंक्यूबेटर वाउचर, डायमंड वॉचर, सब फ्री रिवॉर्ड्स इनको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा गाइस सीन है बाहर के जो यूरोप वाले टूर्नामेंट चल रहे हैं, यूरोप के जिसमें सारी कंट्री है, ठीक है। वैसे ही गाइस कहा जा रहा है कि जो एशिया की जो कंट्री वाली टूर्नामेंट होंगी उसमें भी गाइस कुछ ऐसे ही टाइप का आपको इवेंट देखने को मिलेगा, और कहा जा रहा है कि इस बार फिर से आप लोगों को ग्लू वॉल देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैंने बताया बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, और इसका जो कोड आएगा वो भी गाइस काफी घातक आएगा, क्योंकि गाइस
बड़ा टूर्नामेंट है, बार बार वही रीजन बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना गाइजर चैनल, क्योंकि गाइजर कभी भी ये वाला टूर्नामेंट मतलब ये वाला टूर्नामेंट कब है वो भी बताता हूँ। ये टूर्नामेंट गाइजर आप लोग का है 22 और 28 तारीख को इसका फाइनल है, नवंबर 28 को, ठीक है। तो उस टाइम पे गाइजर आप लोग इसका रिवॉर्ड देखेगा और ये स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से, ठीक है। ऐसा है तो सब्सक्राइब कर लेना, आपका कोड वर्ड कभी मिस नहीं होगा, ठीक है गाइस। जैसे भी गाइजर ये सब रिवॉर्ड्स आप लोग को मिले। नेक्स्ट अपडेट गाइजर हमारे गेम के अंदर आने वाले हमारे रेड ट्रीटमेंट स्नाइपर की स्किन से, ठीक है। आप लोगों को पता है गाइजर हमारे गेम के अंदर गाइजर एक ट्रीटमेंट स्नाइपर नाम की एक न्यू गन आई है, जैसे बेसिकली आप लोग स्नाइपर से अपने दोस्त को हील कर सकते हो, ये वाली जो स्किन है, ठीक है। अब सामने गाइजर आप लोग देख सकते हो ट्रीटमेंट स्नाइपर की ये स्किन आप लोग की आने वाली जो रेड कलर की है, तो ये गाइजर कन्फर्म हो चुका है। अब ये गाइजर क्रेट के अंदर आएगी कहा जा रहा है, ये लेजेंडरी गन तो नहीं है बट क्रेट के अंदर आएगी। इसका बेसिकली गाइजर आप लोग का जो रेंज है वो गाइजर इंक्रीज किया गया, मतलब आप लोग और दूर तक अपने दोस्तों को हील कर पाओगे, इसकी रेंज इंक्रीज है। और इसका आर्मन पेनिट्रेशन भी गाइजर इंक्रीज है, ठीक है। बेसिकली जो वेस्ट है वो जल्दी फटेंगे, ठीक है गाइजर। बेसिकली काफी अच्छा ये गन है और ये गाइजर इसकी स्किन आने वाली है जल्दी आप लोग को इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। लोकेश अंबानी, ज्ञान भाई अंबानी, सुनीता बहन अंबानी, ऐसे कोई अंबानी के परिवार के इवेंट से जो गाइजर अंबानी के परिवार के फैमिली वाले हैं बंदे लोग, वो गाइजर इस गन को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग गाइजर ये गन की स्किन गाइजर कैसी लगी मुझे गाइजर कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट गाइजर हमारे गेम के अंदर गाइजर एक आने वाले, मतलब कहा जा रहा है, ये लीक्स गाइजर फुल कंफर्म नहीं है बट गाइजर कहा जा रहा है कि दिवाली के गाइजर इवेंट में आप लोग गाइजर M1887 की जो स्किन है वो गाइजर रिटर्न पे देखने को मिल सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइजर आप लोगों को पता है जब पिछले बार जब दिवाली आई थी, आपको पता है पिछले बार, ठीक है, तब उस टाइम आप लोगों को याद होगा कि दिवाली के टाइम पे एक M1887 की स्किन गाइस रिटर्न पे आई थी, जितना मेरे को याद है, जो रिटर्न पे आई थी या फिर एक न्यू M1887 आई थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट आप लोगों को याद है कि नहीं मुझे कमेंट में बताना। शायद मुझे लग रहा है वो जो रेड कलर की स्किन होती है, रेड कलर की जो स्किन है, रेड या पिंक वाली, वो वाली दिवाली में आई थी, आप लोगों को पता है। तो कहा जा रहा है कि गाइजर गरीना वाले सोच रहे कि इस बार आप लोगों को या तो कोई नई जो गन है, मतलब नई M1887 वो लेके आएंगे दिवाली में, या फिर गाइस आप लोग गाइजर कोई रिटर्न पे गाइजर दिवाली पे M1887 की स्किन देखने को मिल सकती है, कोई लेजेंडरी वैसी गाइजर जैसे लेजेंडरी इवेंट चलता है यार, लेजेंडरी इमोट वाला इवेंट चलता है, लेजेंडरी स्पिन वाला, ऐसी कुछ आपका इवेंट आएगा जिसमें आप लोग के बहुत सारे डायमंड्स उड़ेंगे, वैसा कुछ वही लोकेश अंबानी वाला जिसमें बेसिकली आप लोग के काफ़ी डायमंड्स लगेंगे, ठीक है। अब देखते हैं गाइजर क्या होता है। अब बात करते हैं गाइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, जिसके लिए आप सभी लोग आए होंगे दिवाली के इवेंट के बारे में। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, दिवाली के इस बार का जो इवेंट है उसमें कहा जा रहा है एक और इवेंट आने वाला है, लाइट ऑफ बरमुडा वाला बेसिकली, ठीक है। आप लोगों को पता है गाइजर एक इवेंट था जो पिछले साल भी आया था, लाइट ऑफ बरमुडा वाला। बेसिकली आप देखो दिवाली है तो इस बार भी लाइट ऑफ बरमुडा तो आएगा, या फिर लाइट ऑफ परगेटरी आए, या फिर लाइट ऑफ कलहरी आए। पिछले बार बरमुडा आया था तो क्या पता इस बार लाइट ऑफ परगेटरी आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ इवेंट आ जाए बेसिकली। क्योंकि गाइजर देखो दिवाली है तो लाइट वाइट तो जलती है, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये पिछले बार गाइजर ऐसा इवेंट आया था और कहा जा रहा है सेम टू सेम ऐसी यार आप लोगों को लाइट ऑफ परगेटरी या फिर लाइट ऑफ कोई ऐसा है मैप का इधर किसी का भी नाम आ जाएगा, और बेसिकली बहुत सारे इसमें लेजेंडरी चीज़ें होंगी। और गाइज कहा जा रहा है इलाइट पास भी कहा जा रहा है आप लोग का हो सकता है, और काफ़ी हाई चांसेस है। अब बहुत सारे बंदे लोग बोल रहे होंगे कि भाई यार इलाइट पास तो डिस्काउंट में आ गया, और आजकल गाइजर बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि नवंबर 3 को इलाइट पास बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। क्या भाई ये सच्चाई है, क्या रियल है, बताओ प्लीज़, ठीक है। देखो यार जितना मुझे लगता है, अगर आप लोग का दिवाली है, ठीक है, दिवाली आप लोग की है तो दिवाली पे मुझे लगता है गाइजर देखो इलाइट पास फ्री पे तो बहुत मुश्किल है मेरे को लगता है मिलना, ठीक है। बट गाइजर क्या पता आप लोगों को नवंबर 3 पे फिर से कोई डिस्काउंट इवेंट देखने को मिले दिवाली की तरफ से, ठीक है। अभी तो आप लोगों को पता है डिस्काउंट इवेंट आ चुका है फिलहाल इस बार का, लेकिन मेरे को लगता है अभी नवंबर 3 को आप लोगों को एक और डिस्काउंट इवेंट देखने को मिल सकता है नवंबर 3 के या फिर एक दो दिन बाद, या फिर नवंबर 1-2 तारीख, या फिर ऐसा कुछ यार मतलब मंथ के स्टार्टिंग में। इसमें पता नहीं देखो यार इलाइट पास हुआ कि नहीं, क्योंकि यार इन लोगों ने इस बार इलाइट पास दे दिया चालाकी से, तो इस बार का इलाइट पास इतना खास नहीं था, वैसे अगले बार का इलाइट पास सही है। तो ग्रेना ने दिमाग लगा दिया, उन लोग को गाइस डिस्काउंट में देना था तो उन लोग ने अभी दे दिया, ठीक है। तो जितना मुझे लगता है देखो अगले मंथ का कुछ क्लियर नहीं है, फ्री तो मेरे को टफ लगता है बट डिस्काउंट में आ सकता है अगले बार भी, ठीक है, क्योंकि गाइस दिवाली है तो आप लोगों को पता ही है। और गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि डिस्काउंट में आ सकता है, देखो यार हमारा जो टॉप इवेंट है वो भी गाइजर आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था 3 बार इस बार दिवाली के टॉप आ रहे हैं, टोटल 3 बार, ठीक है। तो क्यों अगर टॉप 3 बार आ सकते हैं तो क्या क्यों नहीं गाइजर डिस्काउंट भी 2 बार तो आ ही सकता है जितना मेरे को लगता है, क्योंकि बाहर के सरों पर तो गाइजर हर मंथ में 3 बार डिस्काउंट इवेंट आते हैं, ठीक है। तो गरीना वाले अगर इंडियन सरों पर 2 बार देते तो कोई बुरी बात थोड़ी है, ठीक है, क्योंकि गाइजर स्कैम तो करती है, क्या पता इस बार थोड़ा सा हमें भी बक्स दे, ठीक है, हमें भी कुछ ये सब रिवॉर्ड्स दे। तो जितना गाइजर लीक्स मिली आप लोग को फिर से कोई डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, जैसे गाइजर आप लोग को पता है 3 नए टॉप इवेंट आने वाले दिवाली पे बेस्ट, तो वैसे ही गाइजर आप लोग का शायद आप लोग का इस सेकंड में फिर से गाइजर आप लोग को डिस्काउंट देखने को मिले एक और बार दिवाली बेस्ट में, ठीक है। तो बस गाइजर आज इस वीडियो में इतना ही, तो बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।